गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे क्या पुली कंस्ट्रेंट है ना, एनएलएम लेक्चर नंबर 8। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग होमवर्क डाउट्स से उसको बताऊंगा बाद में, खुद से भी ट्राई करो अच्छे से। ऐसा नहीं कुछ दिया तो उसको पूरा वो काम नहीं कर रहा है, ट्राई कीजिए। नहीं आएगा लास्ट में तो बता ही दूंगा मैं, उसमें थोड़ी है कुछ है, बट आप भी ट्राई कीजिए। कुछ होमवर्क मिल नहीं रहा है, 8th लेक्चर आज है एनएलएम का। इससे पहले कोई होमवर्क एक बार और कुछ दिया था 10 क्वेश्चंस, और लास्ट दे दिया है 10 या 12 क्वेश्चंस। इससे पहले कुछ होमवर्क नहीं दिया है, तो लास्ट में कोई ये नहीं बोलेगा सर ये मेरा बैकलॉग हो गया और वो बैकलॉग हो गया, क्योंकि 8 का मतलब हो गया लेक्चर 8 मतलब 3 to 4 वीक्स। 3 to 4 वीक्स से कुछ नहीं मिल रहा है तो पूरा उधर काइनामेटिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही साथ इसका पूरा होमवर्क मिलने वाला है। कंबाइंड है तो है ना बुकलेट में, इसीलिए अभी होमवर्क उतना नहीं मिल रहा है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, तो अब ये मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, तो आपको क्या बताया था, एक स्ट्रिंग जो होती है इसमें वो कैसी होती है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब यू कांट चेंज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ना, आप इसके लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इसको इलोंगेट नहीं कर सकते, आप इसको इलोंगेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि यार कि अगर ये पॉइंट स्ट्रिंग का और ये पॉइंट बी मान लो, तो इसका लेंथ जो एल है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, लेंथ क्या है कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर ये वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाएगा तो बी भी इस डायरेक्शन में कितने से जाएगा, वी से जाएगा। ये कोई पॉइंट सी होगा इस स्ट्रिंग पे तो ये भी कितने से जाएगा, वी से जाएगा। मतलब क्या होगा, स्पीड स्पीड रिमेंस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दी, रिमेंस कॉन्स्टेंट स्पीड रिमेंस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अलावा हमेशा क्या होगी, स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे पुली वाला, पुली कंस्ट्रेंट से, यहाँ पुली मूव नहीं कर रहा है। अगर जिस केस में पुली, अगर कोई भी एक पुली मूव नहीं कर रही है तो उस केस में तो वो नॉर्मल स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ही बन जाएगा है ना। अगर ये पुली मूव नहीं कर रही है तो इस केस में इसको फिक्स कर दिया तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दो, तो इस केस में ये जो पुली कंस्ट्रेंट है वो भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बन जाएगा। कैसे कि ये अगर वी से मूव कर रहा है तो ये भी वी से ही मूव करेगा ऊपर है ना, ये अगर ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो ये भी ए से एक्सेलरेट करेगा ऊपर। तो जब पुली अगर मूव नहीं कर रही है तो उस केस में ये पुली कंस्ट्रेंट भी क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। लेकिन अगर पुली मूव कर रहा है तो उस केस में वो पुली कंस्ट्रेंट हो जाएगा, उस केस में वो पुली कंस्ट्रेंट हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो स्ट्रिंग के अलावा हमेशा हर जगह पे पार्टिकल की मतलब उस पॉइंट किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्ट्रिंग की स्पीड फाइंड करोगे तो हर जगह पे उसकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। आ रही बात समझ में। अब देखो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पुली है बट पुली क्या है, फिक्स्ड है ना। यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया और ये वाला एंगल जो है ये 53 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 53 है। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए जो है इस डायरेक्शन में मान लो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितने से 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो आपको बताना है फाइंड फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी, इस बी की स्पीड बतानी है, बी की फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी।
देखो यहाँ, अगर ये ब्लॉक ए इस डायरेक्शन में जाएगा ये कैसे हो गया, फ्रीज हो गया क्या मेरा स्क्रीन? नहीं ना, हाँ ठीक है ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया, एक बार फिर से समझ लीजिए, जस्ट स्टार्ट किया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, किसी का लैब कर रहा है, किसी का हो सकता है, नहीं है ना, एक मिनट रुको, इसको सॉल्व करो तब तक, ठीक है देखते हैं, हो सकता है नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है अभी, तो लैग कर सकता है। स्लो हो गया, अभी भी लाग कर रहे हैं क्या? अरे यार नेट सही चल रहा है अभी, थोड़ा ज्यादा अच्छा चल रहा है। देख लेते हो सकता है क्योंकि नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रथमेश तुम एक बार फिर से ज्वाइन हो जाओ, हो सकता है कि उसके कभी कभी हो जाता है ऐसा। देखिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब है, जिसने लेट से ज्वाइन किया एक बार समझ लीजिए आप प्लीज, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि कोई भी एक स्ट्रिंग लिया आपने, स्ट्रिंग कैसी होती है अपनी, इनएक्सटेंसिबल, मतलब यू कांट चेंज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर ये पॉइंट है इस स्ट्रिंग पे आपने कंसिडर किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट वी से जाएगा तो ये पॉइंट भी वी से ही जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच का लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो सकता है ना, तो ये पॉइंट भी कितने से जाएगा तो वो वी से ही जाएगा। स्पीड क्या है? स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रिंग, स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू पूरे स्ट्रिंग में, स्पीड क्या होगी? कॉन्स्टेंट होगी। अब मैं यहां पे अगर बात करूं ये पुली वाला, पुली को फिक्स कर दिया, पुली को जैसे आप फिक्स कर दोगे, अगर पुली मूव नहीं कर रही है तो वो जो पुली कंस्ट्रेंट था वो भी बन जाएगा आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वो भी क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। जैसे ये अगर आप इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से क्या करोगे, मूव करा दोगे, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जाएगा, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे एक्सेलरेट कर रहा है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसे एक्सेलरेट करेगा, मतलब वेलोसिटी इसकी क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट है बट इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब यहां से देखिए ये ए है और ये 20 मीटर से जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये ब्लॉक भी है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ब्लॉक बी किस डायरेक्शन में जाएगा? अगर ब्लॉक ए राइट को डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक बी भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ब्लॉक बी इसी डायरेक्शन में जाएगा। अरे ये बात समझ में, इसको मान लेते हैं वी बी। अब किसी को लग रहा है सर ये ऐसा अगर इसको पुल कर रहा है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, ऊपर कब जाएगा, अभी क्या होगा, समझो ये क्यों इस डायरेक्शन में जा रहा है आप समझिए। ये ब्लॉक है बी, इसका एफ बी डी बना लेते हैं आप, तो यहाँ पे एक टेंशन टी आता, एक एम जी आता, इसका एक कॉम्पोनेंट इस साइड आता 53, टी कॉस 53 और ये टी साइन 53 होता। इस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, इस फोर्स को एमजी बैलेंस कर सकता है, या एमजी अगर इससे ज्यादा हुआ तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ सकता है, बट इस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, तो इस फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन में जाएगा। आ रही बात समझ में आपको ना? तो जब ये पहले क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में यहां तक आएगा और जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी तब ये ऊपर जाएगा, जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी तब ये ऊपर,
अब जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस टाइप के स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाला प्रॉब्लम, देखिए समझ लीजिए एक बात मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये किसी एंगल पे है 53 डिग्री पे, अरे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है, क्या बोल एक मिनट रुको मैं फिर से ट्राई करता हूँ, हो गया तो सही है ना। लग कर रहा है क्या अभी भी? वीडियो लग कर रहा है। एक बार रुको रुको मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है एक बार मैं लीव करता हूँ।
अभी क्लियर है क्या? देख लेते हैं, ठीक है ठीक। पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि 2-3 दिन से फेस कर रहा हूं मैं ऐसा। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है आपका, क्या बोल रहा था मैं कि अगर स्ट्रिंग है तो इसका लेंथ चेंज होगा नहीं, लेंथ चेंज नहीं हुआ तो हर पॉइंट की पार्टिकल की ये स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। तो अभी क्या होगा, अब देखो यहाँ से ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये अभी इस डायरेक्शन में जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे एक एमजी आएगा और यहाँ पे एक टेंशन आएगा, ये वाला टेंशन टी आएगा, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा टी कॉस 53 डिग्री और ये आएगा टी साइन 53 डिग्री। अब इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा है क्या? यहाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से ये मूव करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी तो होगी। अब यहाँ पे जब तक ये फोर्स इसको बैलेंस नहीं करेगा, ये जो है इसको ओवरकम नहीं करेगा, तब तक ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। अपने को कुछ आइडिया नहीं है कि ये फोर्स बैलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी का मास गिवन ही नहीं है कुछ, है ना। तो अपन क्या मानेंगे यहाँ से कि ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हाँ ये स्ट्रिंग ऐसे होती वर्टिकल होती तो अगर ये इसको इस डायरेक्शन में पुल करता तो ये ब्लॉक ऊपर जाता, क्योंकि उस डायरेक्शन में एफबीडी बनाते तो सीधा सिर्फ टेंशन इस डायरेक्शन में आता और इस डायरेक्शन में एमजी आता, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं आता, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं आता। अगर ये मूव कर रहा है तो ये स्ट्रिंग आगे जाती तो ये वाली स्ट्रिंग भी ऊपर जाती, ये ब्लॉक ऊपर जाता। तो इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लेते एक बार। तो यहाँ पे इसको नोट किया ना यार, नोट कर लीजिए एक बार, थोड़ा फास्ट नोट कीजिए थोड़ा। अरे इस इंस्टेंट पे फाइंड करना है, इस इंस्टेंट पे यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट। आगे क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, आगे तो होगा ही, 90 डिग्री पे आ जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है, जब भी क्वेश्चन गिवन होगा ना तो आपको उस इंस्टेंट पे बताना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट द गिवन इंस्टेंट, एट द गिवन इंस्टेंट। जब ये एंगल कितना है 53 डिग्री है तब आपको ब्लॉक बी की वेलोसिटी बतानी है, स्पीड बतानी है। तो यहां से ये देखिए, ये ब्लॉक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये ऐसा है ये ऐसा है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है, इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ ये ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में 20 मीटर से जाएगा तो ये वाली स्ट्रिंग भी इस डायरेक्शन में 20 मीटर से जाएगी, करेक्ट। बट ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में वी बी। मुझे ये बताओ कि अगर ये एंगल 53 है, अभी 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। बोल रहा है कि वी अगर कांस्टेंट है, सपोज गिवन है 20 अगर मीटर से जा रहा है तो ये 20 मीटर से ही जाएगा, चेंज किसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज। तो हमेशा क्या करना है, कभी भी स्ट्रिंग के वेलोसिटी को रिजॉल्व नहीं करना है, ऑलवेज रिजॉल्व द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक और पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमेशा किसको रिजॉल्व करना है, जो पार्टिकल होगा या ब्लॉक होगा उसकी वेलोसिटी को, किसके अलोंग, स्ट्रिंग के अलोंग। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है 53 डिग्री, तो इसका इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना आएगा, तो वी बी कॉस 53, वी बी कॉस 53। तो अच्छा इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, इस डायरेक्शन में तो वी बी कॉस 53 है, तो इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो 20 से, मतलब दिस इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वी बी कॉस 53 इक्वल्स टू 20। तो यहां से अब हो गया आंसर ही खत्म हो गया क्वेश्चन, अब 3/5 इक्वल्स टू 20, तो वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100
100/3 100/3 आई बात समझ में, 100/3 होगा, फास्ट जाएगा ये इस डायरेक्शन में। हाँ, इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो 20 से जाएगा। इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो कितने से आएगा इस डायरेक्शन में, 20 से। आंसर आपका 33.33 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये ब्लॉक ए है, ये आपका एंगल 37 डिग्री है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ब्लॉक 40 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ब्लॉक है कि यहाँ पे ब्लॉक बी, और ये एंगल जो है ये 53 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी एट द गिवन इंस्टेंट। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी एट द गिवन इंस्टेंट। गिवन ब्लॉक बी की स्पीड, अब ये बताइए अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ब्लॉक बी किस डायरेक्शन में जाएगा। सेम डायरेक्शन, करेक्ट, सेम डायरेक्शन। आंसर बताइए कितना आएगा। आंसर आंसर हाँ, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। आंसर कितना आएगा ये बताइए, नहीं भी जाएगा तो अब मूव करा देंगे उसको। आंसर बताओ पहले। ये 200/3 हो गया, देख लेते। तो सबसे पहला काम क्या है, देखिए यहां से इसकी वेलोसिटी को कहां पे स्ट्रिंग के अलोंग रिजॉल्व करना, किसके अलोंग, स्ट्रिंग के अलोंग। ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा। तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी होगी, 40 cos 37। तो 40 × 4/5 तो 32 हो जाएगा। अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा कितने से, VB से। तो इसको रिजॉल्व करना है स्ट्रिंग के अलोंग, कितना जाएगा, VB cos 53 डिग्री। VB cos 53 डिग्री। तो अब स्ट्रिंग की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 32, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये दोनों सेम हो जाएगा। VB cos 53 equals to 32। तो यहाँ से VB equals to ये 3/5 equals to 32। तो आपका VB की वैल्यू कितनी आ गई, 160/3। तो 53.33 ठीक है, नोट कर लो। हाँ, मतलब ये कि अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये एंगल चेंज होता रहेगा ना, ये एंगल चेंज होता रहेगा ना, इसीलिए इस इंस्टेंट पे, इसीलिए इस इंस्टेंट। स्ट्रिंग के लेंथ को कांस्टेंट करके भी आंसर ला सकते हैं, इसके लेंथ को कांस्टेंट करके भी आंसर ला सकते हैं, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का भी मैं करता हूं।
ये ऐसा है। ये ब्लॉक है, बी मान लेते। ये ब्लॉक ए है और ये ऐसा है। ये एंगल मान लीजिए 37 डिग्री है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है फाइंड फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी। स्पीड ऑफ ब्लॉक बी, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी। एट मीटर आ रहा है, देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। सबसे पहले तो अपने को जो नॉर्मल पता है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये 37 है तो ये 37 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, तो 10 cos 37, तो 10 × 4/5, तो 8 है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में 8 से आ रहा है, तो ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में कितने से जाएगा, 8 से जाएगा। तो वीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। इसको देखो स्ट्रिंग कंस्टेंट से भी कर सकते, मतलब लेंथ कांस्टेंट कर दिया तो भी आंसर आ जाएगा, बट ये बहुत सिंपल है। सिर्फ ये किसके लिए है, वेलोसिटी के लिए। किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए, ठीक है। कभी भी एक्सेलरेशन के लिए ये काम नहीं करना है, उसमें डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको पता है इसका लेंथ क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है ना। तो मैं इसको मान लेता हूँ, यहां से आप कंसिडर कर रहे हो, यहां से, तो इसको एक्स वन मान लेते हैं, एक्स वन, और अलग से सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ। ऐसा है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स वन भी नहीं, एक्स, यहां से यहां तक एक्स, और ये वाला डिस्टेंस वाई। तो एक्स चेंज होगा, वाई चेंज होगा, और ये एच, इस एच की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना यार, ये तो इसी पे जाएगा ना, और ये पुली फिक्स है, तो एच चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, एक्स एंड वाई। तो एक्स जो चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी आएगी, वाई जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी आएगी, है ना। यहां से यहां तक इसका कुछ लेंथ मान लीजिए s, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो अब यहां से ये बताओ मुझे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या चाहिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर कांस्टेंट है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करो, तो ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस एस प्लस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या चेंज हो रहा है, एक्स एंड वाई चेंज हो रहा है, एस कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट को इस साइड लाएंगे तो नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा, है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू, एक नया कॉन्स्टेंट है तो उसको भी मैं कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, नोट कर लो ना, नोट कर लो पहले। हाँ ये लेंथी मेथड है, मैं बता देता हूँ जहां पे यूज होगा आप कर लेना, बाद में ये नहीं कि सर ने नहीं बताया कुछ, वो काम नहीं करता हूं मैं, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच, फाइव कैसे आया, कहां पे फाइव आया,
एस एस है, एस 5 नहीं है, एस। अरे वो पुली पे जो लेंथ था ना स्ट्रिंग का, उसको मैंने मान लिया एस, 5 नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, ये एस है एस। इस नॉट मान लो, इस नॉट लिख दो, ठीक है। ये इस नॉट क्या रहेगा, ये वाला लेंथ है, यहां से यहां तक का लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ। ये तो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है ये। इस नॉट की वैल्यू सेट आ गई, तो कांस्टेंट, और ये माइनस कांस्टेंट, ठीक है ना, यहाँ कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, जो एक्सप्रेशन है पहले, वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, प्लस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, वेलोसिटी चाहिए तो टाइम से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ पावर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेस टू 1/2 हो जाएगा। फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx/dt, एच कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, dy/dt ऐसा आ जाएगा। ये बात आ रही है समझ में, तो ये आ जाएगा आपको, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू dx/dt, हाँ -1/2, करेक्ट -1/2 है ना, dx/dt प्लस dy/dt इक्वल्स टू 0। अब देखो आपका ये जो आ रहा था x बाय, ये क्या है वो भी समझ लीजिए एक बार, ये ऐसा है, ये ब्लॉक है, ये वैल्यू x है और ये वैल्यू h है और ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो एक्स अपॉन दिस कॉस थीटा हो जाएगा, ये है ना। तो देखो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो dx/dt पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि एक्स इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, हेंस ये वैल्यू क्या है, cos थीटा। तो cos थीटा va माइनस vb इक्वल्स टू 0, तो क्या आ गया तुम्हारा यहां से, vb इक्वल्स टू va cos थीटा, यही आ रहा था। va की वैल्यू कितनी थी, 10 cos 53 डिग्री, 53 नहीं 37, तो 10 इंटू 3 4/5 आंसर 8 आ जाएगा। ये बहुत लेंदी तो ऐसे भी सॉल्व करते हैं, लेंथ क्या करेंगे स्ट्रिंग का कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्या होनी है, स्पीड सेम होनी है। नहीं, अब ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसको लर्न कर लिया कि दिस कॉस थीटा इक्वल्स टू वीबी बाई वी, ये काम नहीं करना है ना, आपको पता है। हाँ, वेलोसिटी के लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, वेलोसिटी के लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है फर्स्ट वाला मेथड, एक्सेलरेशन के लिए वैलिड नहीं है, इसके लिए वैलिड नहीं है, इसके लिए यही मेथड आएगा। इसके लिए क्या आएगा, हाँ बताता हूं, इसके लिए आपको यही मेथड आएगा। तो अब क्या है, देखो यहां से, यहां से ये वाला आ गया, ये आ गया ना, इसको वी ए लिख देते, इसको माइनस वी भी लिखते, इसको डिफरेंशिएट कर देते फिर से, तो फिर एक्सेलरेशन आता, इसको डिफरेंशिएट कर देते तो फिर एक्सेलरेशन आता। अरे बात समझ में आपको, तो इसलिए ये वैलिड जो है, फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट मेथड वो किसके लिए वैलिड है, तो वेलोसिटी के लिए वैलिड है, एक्सेलरेशन के लिए नहीं है। सेकेंड मेथड जो है, ये दोनों के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर, क्योंकि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। हाँ वो बताता हूँ, वो एक मिनट थोड़ा वेट करो ना, वैलिड फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन बोथ। देखो यहां से ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है, ब्लॉक ए इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये ब्लॉक अभी यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला जो एक्स होगा ये एक्स इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे एक्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब dx by dt पॉजिटिव हो जाएगा ना। बट जैसे जैसे ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब y की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी मतलब dy by dt क्या होगा, नेगेटिव। dy by dt क्या होगा, नेगेटिव। अरे कुछ समझा, डल रिस्पॉन्स। देखो यहाँ पे समझो फिर से, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। देखो मैंने ये क्यों h डायरेक्ट मैंने ये क्यों नहीं कंसिडर किया, इसका लेंथ ये वाला कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो इसको मैंने मान लिया x। ये x है तो इसको h, और ये h क्या होना है, कांस्टेंट होना है। ये यहाँ पे है, यहाँ पे हो, ये यहाँ पे हो, ये वाली वैल्यू तो यही रहेगी यहाँ से h, है ना। तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग तो दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो ये वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है, इट्स नॉट प्लस y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस y इज नॉट कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जरूरी नहीं कि जीरो हो जाएगा, कुछ नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा, है ना। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, फास्ट थोड़ा नोट करो इस। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये एक वॉल है, ये ग्राउंड है, ये एक रॉड है, रॉड तो रॉड का लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होगा। और ये कितने एंगल पे है, इंक्लाइन थीटा एंगल पे। इफ पॉइंट ए, ये ए इसको मान लो और ये बी मान लीजिए, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है वी नॉट से। इफ इफ द रॉड इफ द रॉड ए मतलब पॉइंट ए मान लो, रॉड नहीं, इफ द रॉड इफ द पॉइंट ए, पॉइंट ए मूव्स इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली विद वेलोसिटी वी नॉट, वी नॉट, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एंड, कैलकुलेट the velocity of end b, end b point या end मान लो end a, है ना। अगर इस rod का ये जो a point है या end मान लीजिए, ये end v not velocity से move करना start करता है इस direction में, और ये angle theta है, तो आपको va की velocity बतानी है, vb की magnitude बताना है, मतलब आपको स्पीड बतानी है।
ये वी नॉट है। हाँ वी नॉट, नहीं उस इसका आंसर बोल रहे हो क्या? वी नॉट। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये रॉड ये एंड इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये एंड किस डायरेक्शन में जाएगा, ये एंड किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में, वी भी मान लेते हैं। अब आ गया ना आंसर, खत्म हुई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने से, वी बी से। इस डायरेक्शन में आ रहा है कितने से, वी नॉट से। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना जाएगा, वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा, तो कितना जाएगा, वी नॉट साइन थीटा। तो इस रॉड के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी इस रॉड के अलोंग तो सेम ही होगी ना, जैसे स्ट्रिंग के अलोंग सेम होती थी। ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस रॉड के अलोंग कितनी, वी बी कॉस थीटा। तो दोनों तो सेम होगा, इक्वल होगा, चेंज तो होने वाला है नहीं, हेंस वी नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा। तो वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बी इक्वल्स टू वी नॉट टैन थीटा, वी नॉट टैन थीटा। वी नॉट टैन थीटा। ये देखो ना, ये अगर ये वाला एंड जो है अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये वाला एंड किस डायरेक्शन में आएगा, राइट वर्ड्स। इसकी स्पीड मान लेते हैं वी बी, ये वेलोसिटी मान लिया वी बी। तो अब स्ट्रिंग के अलोंग हर पॉइंट, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी या स्पीड हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। तो रॉड के अलोंग भी तो सेम ही होगी ना यार, रॉड का लेंथ चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं हो रहा है। तो इसकी वेलोसिटी, इस एंड की वेलोसिटी रॉड के अलोंग फाइंड कर लिया और इस एंड की वेलोसिटी रॉड के अलोंग फाइंड कर लिया। रॉड के अलोंग हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगी, तो दिस इक्वल्स टू दिस कर दिया। तो वी नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा, कॉस थीटा इस साइड आएगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा, तो आंसर आ जाएगा वी नॉट टैन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कर सकते हैं, कर सकते। देखो यहाँ पे इसको आप एक्स मान लो, ये एक्स, ये वाई और ये एल। एल तो हमेशा कांस्टेंट होगा ना, एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। एल कांस्टेंट होने वाला है, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा इसी टाइप का आएगा आंसर आपसे। अल्टरनेटिवली एक्सेलरेशन को इसको डिफरेंशिएट करके नहीं आएगा कभी भी, रॉन्ग हो जाएगा फिर। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन ये है तो वो कर दिया, कुछ कर दिया। वेरिएबल के टर्म्स में लाना पड़ेगा ना आपको, किसके टर्म्स में, वेरिएबल के टर्म्स में। यहाँ पे आपने लाया वी नॉट वी बी इक्वल्स टू वी नॉट टैन थीटा, आप टैन थीटा को वेरिएबल के टर्म्स में लिख दीजिए, है ना। अगर आपने ऐसा फाइंड कर लिया है तो टैन थीटा को वेरिएबल के टर्म्स में लिख दीजिए, फिर डिफरेंशिएट कीजिए तो आंसर आ जाएगा। ये रॉड है, ये एक्स है, ये वाई है और ये एल है। ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा है वी बी से, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में आ रहा है वी नॉट से। तो यहाँ से लेंथ, ये अगर कहीं पे भी है, ये ऐसा है, अभी कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसका लेंथ चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है सिर्फ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी टी, और ये कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बाई डी टी। ये समझ में आ रहा है, 2x dx बाई डी टी ये है ना चेन रूल। प्लस ये आ जाएगा 2y dy/dt इक्वल्स टू जीरो, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स डी डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वाई डी वाई बाई डी टी, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी टी। देखिए यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब x इंक्रीज होगा।
तो dx by dt पॉजिटिव, तो v भी। अरे 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, 2x dx by dt equals to minus 2y dy by dt, 2 से 2 घर जाएगा। वीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी टी, देखो ये अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है ना, ये पॉइंट जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस वी नॉट। तो वीबी की वैल्यू कितनी हो गई, वाई बाई एक्स इंटू वी नॉट, तो आंसर कितना, वी नॉट वाई बाई एक्स क्या है, टैन थीटा, वाई बाई एक्स क्या है, टैन थीटा। अरे आई बात समझ में, कुछ नोट कर लीजिए इसको, अगर वेलोसिटी बोला है तो ज्यादा सिंपल वो मेथड है। आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से वेरिएबल के टर्म्स में लिख दीजिए, एक्स वाई के टर्म्स में लिखिए इसको, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए तो फिर आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन अगर गिवन होगा तो उससे आ जाएगा। एक और क्वेश्चन पे करता हूँ, फिर वेज वेज कंस्ट्रेंट पे आ जाएंगे। ये एक रॉड है ऐसा, यहाँ पे मैंने एक रिंग लगा दिया, रिंग, और इस रिंग से एक स्ट्रिंग लगी हुई है ऐसी, और ये पास हो रही है इस पुल्ली से, और यहाँ पे पुल्ली फिक्स्ड है, और ये वाली जो स्ट्रिंग है इसको मैंने एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है, इस ब्लॉक, ये वाला एंगल 53 डिग्री गिवन है, इसी इंस्टेंट में फाइंड करना है जब एंगल क्या हो, 53 हो, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, फाइंड फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट द गिवन इंस्टेंट, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट द गिवन इंस्टेंट, गिवन हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया है ना। तो ये 20 है, ये रिंग की है, तो रिंग की स्पीड को किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी, तो 20 cos 53, तो जितने से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये पीछे जाएगा VA, तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 cos 53, तो 20 × 3/5, तो 12 m/s। ऐसे आंसर बताएंगे। नेक्स्ट आएगा आपका वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट तो वेज जो होता है वो ट्रायंगुलर कैसे भी शेप का हो सकता है, बट नॉर्मली नॉर्मली जो अपन पढ़ने वाले हैं वो ट्रायंगुलर होगा, बट जरूरी नहीं कि वेज जो है वो ट्रायंगुलर ही हो, नॉर्मली ट्रायंगुलर होगा है ना जब अपन पढ़ रहे हैं, बट कैसा भी हो सकता है। यस, अब ये नहीं 2D में नहीं है, ये 3D में है ना, ये 3D में ये है ना, इसको आप यहां से कट कर दो ना, यहां से इसको कट कर दो, तो ये वाला जो पार्ट आएगा मान लीजिए ये वेज, इसको भी वेज बोल सकते हैं, वैसा नहीं, कोई बोलेगा सर ये तो ग्लास स्लैब है, नहीं ये नहीं, पैरामीटर टाइप का जरूरी नहीं है, बट ये तो दिखेगा आपको, हाँ ये तो दिखेगा भी पैरामीटर टाइप का,
देखो यहाँ पे तो वेज कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ब्लॉक कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसा अभी ये है और ये है, ए और बी है। पैसा भी आएगा तो चलेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये वेज है, उससे कोई मतलब नहीं है, अभी जो समझा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट अपने लिए। ये देखो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये अभी एक दूसरे के क्या है, कॉन्टेक्ट में है। तो वेज कंस्ट्रेंट में सबसे पहला कंडीशन क्या आता है, सबसे पहला कंडीशन आता है कि देयर इज अ रेगुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहला रेगुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कॉन्टैक्ट में होना कंपलसरी है टू ऑब्जेक्ट्स का। वो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये आगे मूव कर जाएगा, तो ये कॉन्टैक्ट में होगा ही नहीं। तो आप यहाँ फोर्स फोर्स लगा रहे हो, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहेंगे। अब मुझे ये बताइए, ये इसका जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है ये वाला है, तो ये अगर एक्स जाएगा तो ये भी एक्स जाएगा, इसकी वेलोसिटी अगर वी होगी तो इसकी वेलोसिटी भी वी होगी। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये अगर ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये भी ए से जाएगा, किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कैसा है, तो परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस बोल, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। इसका मतलब क्या होता है कि वेज कंस्ट्रेंट में क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट सर्फेस है उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी इक्वल। क्या होना है, इक्वल होना है। तो ये इक्वल कब होगा, जब ये ब्लॉक और ये ब्लॉक रिजिड होगा, रिजिड ब्लॉक होगा तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड कंडीशन जो आएगा इसका, ऑब्जेक्ट्स आर रिजिड, ऑब्जेक्ट्स आर रिजिड, है ना। तो ये वेज कंस्ट्रेंट में क्या आ रहा है अपना, कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस मस्ट बी इक्वल, इट मस्ट बी सेम। आई बात समझ में, तो ये होता है वेज कंस्ट्रेंट। मैं उस स्टेटमेंट को लिखा देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा इसके और इसके बीच, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। है ना, तो अब यहां से इसमें क्या आएगा, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस, परपेंडिकुलर टू टू द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस कॉन्टैक्ट सर्फेसेस मस्ट बी सेम। That is, there is no relative motion between blocks. There is no relative motion between blocks perpendicular to the contact surfaces.
the contact surfaces. क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ. ये एंगल थीटा है, ये एक वेज है. यहां पे एक रॉड रख दिया ऐसा, ये रॉड है ठीक है. और ये जो रॉड है ये फिक्स्ड सपोर्ट है ऐसा, है ना, ऐसा. और ये रॉड, ये रॉड इसके साथ फिक्स ज्वाइंट नहीं है, सिर्फ रख दिया आपने यहाँ पे, है ना, ऐसा है. एक वेज है, ये रॉड है. तो आपको क्या फाइंड करना है? आप देखो, इसको मूव कराओगे, ये अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो रॉड किस डायरेक्शन में आएगा, ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो रॉड किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ऐसा आएगा. आगे इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रेंट है. तो ये इस डायरेक्शन में आएगा. अगर ये रॉड इस डायरेक्शन में जाएगा तो, ये वेज इस डायरेक्शन में जाएगा तो रॉड किस डायरेक्शन में जाएगा, ये वेज अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना. जैसे जैसे ये आता जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये बात आई समझ में. तो आपको फाइंड क्या करना है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो इसका एक्सेलरेशन मैं इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ ए ए, और ये किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये खुद से समझना है आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. बट फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए ए एंड ए बी. और ये हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेंगे, यहां से यहां तक जब आएगा तब तक कॉन्टेक्ट में रहेगा, या ये इस साइड जाएगा तब तक, जब तक ये बाहर नहीं चला जाता इससे तब तक ये कॉन्टेक्ट में ही रहेगा. Find the relation between A and AB. हाँ कुछ वैसा ही आना चाहिए, देख लेते कितना. AB equals to A equals to AB tan theta. मैक्सिमम लोगों का आ रहा है तो आंसर वही होगा फिर. देखो सबसे पहले ये ऐसा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, AS है, ये इसका कांटेक्ट सरफेस है ऐसा, है ना. तो ये कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मुझे मतलब है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, ये इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड ए ए है, एक्सेलरेशन ए है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इसका. तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये वाली वैल्यू 90 माइनस थीटा. इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना, ए ए कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ए ए साइन थीटा हो जाएगा. अब इसकी बात कर लेते हैं, ये ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ए बी से. अब ये बताइए, ये कॉन्टेक्ट सरफेस तो यही है तो इसका परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, और एंगल देखना है तो ये वाला एंगल था थीटा, यही एंगल है ना थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू थीटा हो जाएगी. ये ए बी है तो इस डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा. तो कॉन्टेक्ट सर्फेस ये है, इसके परपेंडिकुलर में इसके एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट है ए साइन थीटा, और ये कॉन्टेक्ट सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर में ए बी कॉस थीटा. तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होता है वो इक्वल होता है. तो आप दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे. तो ए ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, है ना, ये आ जाएगा.
आया ना। से आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लो इसको, जिसने नोट नहीं किया है। क्या बोला मैं? देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में। तो इसका कांटेक्ट सरफेस क्या है, इसका और इसका कांटेक्ट सरफेस क्या है? ये जैसे इस डायरेक्शन में जाएगा, ये जो रॉड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो ये इसका कांटेक्ट सरफेस ये है। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन जो भी है उसका कंपोनेंट फाइंड कीजिए। तो ये ए ए है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, ए ए कॉस 90 माइनस थीटा, सो इट वुड बी ए ए साइन थीटा। अब इसकी इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए बी है, और ये एंगल कितना है थीटा, और ये भी वाला एंगल है ना थीटा। ये थीटा है तो ये 90, और ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये 90 हो जाएगा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये जो कॉन्टेक्ट सर्फेस है इसी के परपेंडिकुलर वाला पार्ट ये है। तो ये ए बी है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, है ना। अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। दोनों को क्या करना है, अभी इक्वेट कर देना है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ए ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यहां से आएगा आपका ए ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए ए इनटू टैन थीटा। तो ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस आगे बहुत आएंगे, है ना। अभी सिर्फ रिलेशन फाइंड कर ले कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी एक्सेलरेशन फाइंड नहीं किया था, रिलेशन फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था, रिलेशन। तो अभी सिर्फ क्या फाइंड कर रहे हैं, रिलेशन। एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है, वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, यही सब फाइंड कर रहे हैं अपन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आगे आएंगे, बहुत आने वाले। नेक्स्ट देखेंगे अपन मिक्स्ड कंस्ट्रेंट। इन सब पे क्वेश्चन होगा आगे, अभी ऐसा नहीं कि हो गया अभी, ये समझ लो। मिक्स्ड कंस्ट्रेंट, तो मिक्स्ड कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसमें पुली भी होगी, वेज भी होगा, ब्लॉक भी होगा, स्ट्रिंग भी होगी। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और समझिए इसको। मान लीजिए ये ऐसा गिवन, ये ब्लॉक आ गया, ये वेज आ गया, ये पुली आ गई, ऐसा है। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें रिलेशन कैसे फाइंड करना है, वो चीज समझ। तो जब भी इसमें रिलेशन फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन का या वेलोसिटी का, जब भी आप रिलेशन फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है कि इसके एक्सेलरेशन को अगर आपने ए मान लिया, ए वन, तो इसका जब भी आप एक्सेलरेशन अज्यूम करेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अज्यूम करेंगे। क्या रिलेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, इस वेज के रेस्पेक्ट में। तो जब भी आप इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अज्यूम करेंगे, कैसा एक्सेलरेशन अज्यूम करना है, रिलेटिव, ठीक है। अब समझो यहां पे, ये ब्लॉक, ये वेज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, ये वेज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में बात करो। नहीं, अपवर्ड्स कैसे जाएगा, डाउनवर्ड्स, है ना, यस। अब ऐसे समझिए, ये वेज कैसे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट आगे जाएगा। अभी ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पुल यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वाला जो स्ट्रिंग का ये वाला लेंथ था,
वही लेंथ इस साइड आ जाएगा ना इस पे। है ना, ये वाला स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा। हाँ ऐसा हो, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आएगा और आगे भी जाए, मतलब इस डायरेक्शन में भी आएगा, डाउनवर्ड नहीं, इस डायरेक्शन में भी आएगा और आगे भी जाएगा, क्योंकि ये वेज पे है। आई बात समझ में? ये किस पे है? वेज पे है, तो वेज के साथ ये आगे भी जाएगा और ये इस डायरेक्शन में भी आएगा। लेकिन अगर तुम यहीं पे हो, कहां पे, इसी वेज पे, तो तुमको क्या लगेगा कि सिर्फ वेज किस डायरेक्शन में आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन अगर कोई यहां पे है तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि इस वेज के साथ ये ब्लॉक आगे भी जा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग भी मूव कर रहा है। लेकिन कोई ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है, उसको सिर्फ क्या ऑब्जर्व कर पाएगा वो कि ये सिर्फ इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मूव कर रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन तो कभी ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएगा वो। तुम ट्रेन में रहते हो, ट्रेन का एक्सेलरेशन कभी ऑब्जर्व किया है? तुमको क्या लगता है कि साइड वाली जो बिल्डिंग है वो मूव कर रही है ओपोजिट डायरेक्शन में, है ना? लेकिन अगर कोई ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, वो क्या करेगा, ट्रेन जा रही है और ट्रेन में जो भी है पैसेंजर्स सब जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसको जो है ये खुद का एक्सेलरेशन ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन ये वाला ऑब्जर्व करेगा ये। लेकिन इसके लिए क्या होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में भी आएगा और आगे भी जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे, रिलेटिव लेंगे, इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो फाइंड कर ही लेंगे अपन। तो हमेशा क्या करना है, इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लेना है कि ये अगर ए से जा रहा है इस डायरेक्शन में, कितने से, ए से जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये ए टू से इस डायरेक्शन में आएगा और ए टू क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू विच, हमेशा यही अज्यूम करना है। बताता हूं वो कैसे मूव करेगा, वो आपको समझ में आएगा। पहले इतना समझना इम्पोर्टेंट है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज जो आएगा, हमेशा आपको जब भी वेज है, ब्लॉक है, स्ट्रिंग है, तो हमेशा जो ब्लॉक होगा उसका कभी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन अज्यूम मत कीजिए। ऐसा नहीं कि अज्यूम करने से आंसर नहीं आएगा, आएगा, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको ऑब्जर्व करना टफ हो जाएगा। लेकिन जब आप यहीं से ऑब्जर्व करोगे ना, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, रिलेशन बहुत ही इजीली फाइंड कर लोगे। ये बात आई समझ में? अब देखिए यहां से, अब मुझे ये बताओ, अगर ये वेज इस डायरेक्शन में गया है, एक्स कितना मूव किया, एक्स एक्स वन मान लेते हैं। अगर ये एक्स वन गया है तो इसके रेस्पेक्ट में, इतना ही ये स्ट्रिंग, इस साइड आया है ये वाला, और ये वाला किसके इक्वल होगा, एक्स टू के, एक्स वन के इक्वल ही होगा। किसके इक्वल होगा, एक्स वन के ही इक्वल है ये, है ना? जितना ये आगे गया है उतना ये स्ट्रिंग इस साइड आया है, तो ये कितना मूव किया, एक्स टू मान लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना मूव किया, एक्स टू, और एक्स टू की वैल्यू एक्स वन के इक्वल है, ये तो क्लियर है ना यार, एक्स टू की वैल्यू एक्स वन के, तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, वी वन इक्वल्स टू वी टू एंड ए वन इक्वल्स टू ए टू, मतलब यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो यहां से, यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल था ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये जितना आगे जाएगा ये वाली स्ट्रिंग उतना ही पीछे जाएगी, तो जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना, उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसीलिए एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, वी वन इक्वल्स टू वी टू हो गया और ए वन इक्वल्स टू ए टू। लेकिन हर केस में ये पॉसिबल, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसको, हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑब्जर्व करना भी इतना इजी नहीं होगा। जब ऑब्जर्व करना इतना सिंपल नहीं है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए।
हमेशा वही काम करना है, कितना भी टफ आ जाए सिंपल, बहुत सिंपल बन जाएगा। अब कोई बोलेगा सर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से एक बार करके सॉल्व करो ना सर, उससे भी आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से भी आ जाएगा, ये बताता हूँ, सब बताता हूँ, ये सर नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से आता हूँ मैं वहां पे, पहले यहां से देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ विच विद एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, नोट कर लो, थोड़ा फास्ट करो नोट, कुछ रिलेशन ही फाइंड करना है। इन सब के क्वेश्चंस होंगे आगे, ये सब क्वेश्चंस इसलिए नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे एक अलग सा फोर्स लगता है, स्यूडो फोर्स बोलते हैं उसको, है ना, सिर्फ इसलिए रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। अभी चेक कर लो एक बार कितने बजे तक है यार, टाइम टेबल देखो, नहीं तो फिर 4:30 में छोड़ दूंगा, फिर हो जाएगा, टाइम टेबल देख। कितने लेक्चर है ये देख लेना पहले, 5 तक है, कितने लेक्चर है, 2 ही लेक्चर है, ठीक है, अच्छी बात है ना यार, यार इस पूरे वीक में एक ही लेक्चर लगाया है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू विच, इसको एरो लगा दिया ऐसा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्यों लगा रहे हैं यार, क्योंकि यहाँ पे टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, 2D मोशन, 1D होता तो एरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाता, ए बी माइनस ए डब्ल्यू हो जाएगा। अभी यूनिट एंड डायमेंशन है यार, सिंपल सा चैप्टर है, कुछ टाइम के बाद तुम्हारा 2 ट्रैक फिजिक्स में स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो एक ही ट्रैक चल रहा है, और यूनिट एंड डायमेंशन तो सिंपल है, इसमें क्या, अभी ये 9th-10th में पढ़ के आते हैं, नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लो। अभी देखो यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू विच इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ विच, कुछ टाइम के बाद हर सब्जेक्ट में 2-2 ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू विच प्लस एक्सेलरेशन ऑफ विच, ये इस साइड आ गया प्लस हो जाएगा। तो अब ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, अभी क्या आ रहा था, एक्सेलरेशन ऑफ, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू विच किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था, A2 जिसको बोल रहे थे, एक्सेलरेशन ऑफ विच किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था, A1 जिसको बोल रहे थे, AB क्या है, रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, तो पैरेललोग्राम लॉ, मतलब ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। अब एंगल देख लीजिए, ये एंगल तो फाइंड कर सकते हैं यार, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, AB की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, अगर ये थीटा हुआ तो ऐसे नेट एक्सेलरेशन ऐसा आएगा, रिलेटिव है ये, ध्यान से ये क्या है, ये रिलेटिव है। नेक्स्ट मेथड 2, सेकेंड मेथड देख लेते हैं, बट ना तो मैं फर्स्ट मेथड से कभी सॉल्व करने वाला हूँ, ना तो सेकेंड मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ, मैं थर्ड मेथड से सॉल्व करूंगा, पहले भी बताया है वो, उसी मेथड से सॉल्व करूंगा मैं, है ना, वॉक डन बाय टेंशन से सॉल्व करता हूँ मैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस x1, इस वाले डिस्टेंस को x2, इतना ही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कांस्टेंट कर दिया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है A1 से, इस डायरेक्शन में आ रहा है A2 से, रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ध्यान रहे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये क्या होना है, कांस्टेंट होना है, नहीं नहीं कैसा भी आ सकता है, समझ तो लो एक बार, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि कैसा भी आएगा, लेकिन सॉल्व करूंगा तो मेथड 3 आपको भी यूज करना है वो, लेकिन आप समझिए
कहीं पे अगर वो आपको नहीं समझ में आया तो इससे सॉल्व कर लेंगे, ये नहीं समझ में आया तो उससे सॉल्व कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया? कॉन्स्टेंट। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी एक्स वन बाई डी टी प्लस डी एक्स टू बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। अब देखो अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो x क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? x1 डिक्रीज होगा ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, x1 डिक्रीज होगा तो v1 माइनस हो जाएगा v1। ये इस डायरेक्शन में आएगा तो x2 तो इंक्रीज होगा ना यार, तो प्लस v2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से क्या आ गया, v1 इक्वल्स टू v2, हेंस a1 इक्वल्स टू a2, हेंस a1 इक्वल्स टू। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। ध्यान से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको अपन ने इस डायरेक्शन में माना है, तो जैसे ये आगे जाएगा इस x की वैल्यू पुली आगे जाएगा, जैसे ये वेज आगे जाएगा ये पुली आगे जाएगा, पुली आगे जाएगा तो ये x की वैल्यू डिक्रीज होगी इसलिए माइनस, और ये x2 इंक्रीज होगा इसलिए प्लस। नहीं 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 रिलेशन फाइंड कर रहे हैं ना यार, क्या फाइंड कर रहे हैं अभी? रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, कहाँ एक्सेलरेशन की? किसी केस में मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू बताई है क्या कि जी आएगा या नहीं आएगा? कहाँ पे बताया ही नहीं है अभी, है ना? अभी सिर्फ रिलेशन आएगा, सब जितना अभी पढ़ा ना ये सब, इन सब पे सम्स आएगा। एक्सेलरेशन का जितना रिलेशन वाला पार्ट पढ़ा ना, सब पे सम्स आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो रिलेशन आ गया तो एफबीडी आ जाएगा, एफबीडी मतलब रिलेशन आ गया तो आप फोर्स का एफबीडी बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। बट इन सब क्वेश्चन में एक और आता है फोर्स, उसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं, अभी आपको नहीं बताया इसलिए सम्स नहीं कर रहे इस। डन थर्ड में वर्क डन बाय टेंशन वाला पार्ट आपको बताया है, नोट नहीं किया, एक मिनट नोट कर लीजिए आप। इजीली हो जाएगा। अरे हो जाएगा, इतना टाइम ले रहा हूँ, इतना टाइम थोड़ी, अगर तुम्हारा ऑफलाइन लेक्चर होता तो इतना लेक्चर थोड़ी लेता मैं इसका, एनएलएम का। तुमको क्या लग रहा है दो दिन में कंस्टेंट रिलेशन बता रहा हूँ आराम आराम से? अब देखो इस मेथड से सॉल्व करेंगे, किस मेथड से? इस मेथड से, वो भी हो जाएगा टू टू थ्री लेक्चर्स, मैक्सिमम थ्री। किसका टेस्ट है? अरे TWT है ना, तो जितना होगा उतना आएगा, TWT में जितना होगा उतना आएगा, उसका क्या टेंशन है? पता नहीं तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं है, ठीक है तो छोड़ो अभी, ये यहाँ पे समझो यार, बाद में बात करेंगे। यहाँ पे डिस्कशन मत करो, टाइम टेबल जो तुमको टेस्ट प्लानर मिला होगा उसमें एक बार देखिए क्या है नहीं है। देखो यहाँ पे बात नहीं, इसका एक्सेलरेशन A1 मान रहे, इसका कौन सा एक्सेलरेशन है?
एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू एच। तो आपको बताया था कि जब भी आप क्या करोगे, पुली और ब्लॉक वाला सेक्शन है, पुली और ब्लॉक वाला कहीं पे सेक्शन आएगा तो उसमें टेंशन किसके लिए कंसिडर करेंगे। एक बार टेंशन आपने ब्लॉक के लिए कंसिडर कर लिया है, कंस्ट्रेंट रिलेशन में, याद रहे फोर्स के इक्वेशन में नहीं, कंस्ट्रेंट रिलेशन में। एक बार टेंशन अगर आपने ब्लॉक के लिए कंसिडर कर लिया है तो अब ये टेंशन पुली के लिए कंसिडर नहीं होगा, अब ये टेंशन पुली के लिए कंसिडर नहीं होगा, सिर्फ किस में, कंस्ट्रेंट रिलेशन में। तो यहां से इसका एफबीडी सिर्फ टेंशन का, ब्लॉक है यहां पे टेंशन टी होगा तो ये सेम स्ट्रिंग है टेंशन टी, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है A2 से, तो X2 मान लीजिए X2 से जा रहा होगा, और ये वेज, ये ऐसा है वेज, तो यहां पे एक टेंशन आएगा, पुली पुली बना दिया तो देखो यहां पे एक टेंशन टी आएगा, और जब फोर्स का इक्वेशन लिखोगे ना तो ये टेंशन भी आएगा। फोर्स के इक्वेशन में हर टेंशन कंसिडर करना है, लेकिन कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए जहां पे आपको वैसा सेक्शन दिखे जिसमें एक ब्लॉक है और पुली है, जिसमें एक ब्लॉक है और पुली है, तो उसमें हमेशा टेंशन किसके लिए कंसिडर करना है, ब्लॉक के लिए कंसिडर करना है, इस पुली के लिए टेंशन कंसिडर नहीं करना है। वैसे अगर कंसिडर करते तो ये वाला पार्ट भी आता, बट इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये आपने कंसिडर कर लिया है, किसके लिए, इसके लिए। ये सिर्फ कब आएगा, तो कंस्टेंट रिलेशन में आएगा। आई बात समझ में, बस हो गया, यही चीज इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सिग्मा टी डॉट एक्स क्या होना है, जीरो होना है, या टी डॉट ए, इसका एक्सेलरेशन A1 है ना, इसका एक्सेलरेशन है, टी डॉट ए क्या होना है, जीरो। तो टी ए वन सेम डायरेक्शन, ओपोजिट डायरेक्शन, माइनस टी ए टू इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से क्या आ गया, ए वन इक्वल्स टू ए टू, सबसे इजी यही है, ए वन इक्वल्स टू ए टू। क्या करना है, नहीं तो अपने वर्ड्स में लिखो कि अगर जहां पे कोई एक सेक्शन आएगा जिसमें क्या है, ब्लॉक और पुली है, तो उसमें टेंशन किसके लिए कंसिडर होगा, ब्लॉक के लिए कंसिडर होगा, टेंशन पुली के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये वाला जो टेंशन आना था, ये वाला टेंशन, ये इसके लिए कंसिडर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ किस में, कंस्टेंट रिलेशन फाइंड करने के लिए। मतलब अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए वो फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए वो फाइंड करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए वो फाइंड करने के लिए। आई बात समझ में, समझा। नोट करो इसको, इससे बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। बस रिलेशन ही फाइंड करना है, एक्सेलरेशन बताना है, ये ऐसा है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, यहाँ पे एक पुली लगा दिया, ये ऐसा है, यहाँ पे एक पुली लगा दिया, ये ऐसा है, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये ब्लॉक है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ये ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेते हैं, रिलेशन ही फाइंड करना है, ऐसा नहीं कि इसका एक्सेलरेशन ए नॉट है, अज्यूम कर रहे हैं ए नॉट, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, फाइंड द, वैसे एक्सेलरेशन तो जी के टर्म्स में आएगा, एम मास गिवन होगा, इसका भी मास गिवन होगा, इसका भी मास गिवन होगा, अभी सिर्फ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार सॉल्व करूंगा जहां पे एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, ये ए नॉट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज,
प्राइस जैसे अभी फाइंड किया ना वैसे ही फाइंड करना, और फिर बताओ कितना आ रहा है। ये नॉट आ रहा है, देख लेते, चेक कर लेते। मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन जब आएगा तो वो ए नॉट की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी आपको। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में वो एक्स वाला पार्ट एनालाइज करना टफ हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा बेटर मेथड होता है 60। तो पहले इसका इसमें ब्लॉक के लिए टेंशन कंसिडर करना है। मुझे ये बताओ अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में आएगा? ये ऐसा जा रहा है तो ये आगे जाएगा, ये आगे जाने का मतलब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने का मतलब ये इस साइड आएगा, तो ये अगर इस साइड जा रहा है तो ये ऐसे आएगा ए टू से। ए टू क्या है? ए टू इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू विच, ये ब्लॉक आ गया। वर्क डन बाय टेंशन देखना है सिर्फ, टी आ जाएगा यहाँ पे, टी है सेम सेम स्ट्रिंग टेंशन टी हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते, एक पुली है यहाँ पे टेंशन टी है, तो ये 60 है तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस 60, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा टी साइन 60, एक फोर्स यहाँ पे आ जाएगा टी, है ना, ये वाला टी आ जाएगा, और इस वाला जो यहाँ पे जो टी आएगा उसको कंसिडर नहीं करना है। और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने से? ए नॉट से, तो टी डॉट ए जीरो हो जाता है, तो ये कितना आएगा? टी ए नॉट, इसका इसका और इसका, इसका वर्क डन नहीं होगा, टी साइन थीटा का कोई वर्क डन होगा ही नहीं, 90 डिग्री पे है, इसका और इसका आएगा, तो प्लस टी कॉस 60 इंटू ए नॉट, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस टी इंटू ए टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से टी कैंसिल, ए नॉट हो जाएगा ए नॉट बाई टू माइनस ए टू इक्वल्स टू जीरो, ये हो जाएगा 3 a0/2 इक्वल्स टू ए टू। ए टू की वैल्यू कितनी आई आपको? 3 a0/2। ऑल्सो अपने को क्या पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज जो है वो क्या लिखेंगे? ए बी माइनस ए डब्ल्यू। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट आ रहा है पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ध्यान से देखो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, समझ लो एक बार फिर से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ए नॉट से, तो जैसे ये इस डायरेक्शन में जाएगा ये वाली स्ट्रिंग आगे जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग आगे जाने का मतलब ये वाली स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ये वाली स्ट्रिंग इस साइड आएगी, इसका मतलब ये ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में आएगा, करेक्ट? इतना तो समझ में आना चाहिए। और मैंने अज्यूम कर लिया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेजेस ए टू। अब देखो आप क्या करोगे, एक सेक्शन लिया, एक सेक्शन है इसमें जिसमें ब्लॉक और पुली है, ब्लॉक और पुली है, तो उसमें किसके लिए टेंशन कंसिडर करना है? तो इस ब्लॉक के लिए टेंशन कंसिडर करना है। किसके लिए? इस ब्लॉक के लिए टेंशन कंसिडर करना है। ये ब्लॉक लिया, टेंशन एक्सेलरेशन, ये वेज वेज लिया,
यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, अटैच ऐसे ही बना दिया इसको, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टी आ जाएगा। इसका एक कॉम्पोनेंट इस साइड टी कॉस 60, इस डायरेक्शन में टी साइन 60, और एक यहाँ पे और स्ट्रिंग है, वही स्ट्रिंग है इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा टेंशन। ये वाला टेंशन इस साइड जो आएगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे। किसके लिए कंसिडर नहीं करते? तो कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए कंसिडर नहीं करते। जब फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पे कंसिडर करूंगा मैं। किसके लिए सिर्फ कंसिडर नहीं करना है? तो कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए। तो अब यहां से वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है? जीरो। तो देखो टी डॉट ए, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टी ए नॉट प्लस ये और ये सेम डायरेक्शन में, ये और ये सेम डायरेक्शन में, तो टी कॉस 60 इंटू ए नॉट, ये इसका तो काम ही नहीं है, इसको रिजोल्व कर दिया तो ये गया ना। तो ये वाला और ये और ये 90 डिग्री पे है दोनों, इसका वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, टी डॉट ए जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब इसको देखो, ये टी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आ जाएगा, तो टी ए टू इक्वल्स टू जीरो, तो टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए नॉट कॉस थीटा इज 1/2, तो ए नॉट बाई टू माइनस ए टू, यहाँ से ए टू की वैल्यू आ गई 3a0/2, 3a0 बाय। अब यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, नोट कर लो इतना, फिर आगे मैं सॉल्व करता हूँ। सिर्फ क्या फाइंड कर रहे हैं? रिलेशन। नहीं, बहुत वो उसको सॉल्व करना, डायरेक्ट सॉल्व करना, उसके लिए आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा कि आपने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया है, तो अब देखना है कि ये कितना स्ट्रिंग जा रहा है, ये कितना स्ट्रिंग जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, फिर उससे रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ज्यादा बेटर है आप ये मेथड यूज करें, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ज्यादा बेटर क्या है कि ये मेथड आप यूज करें। इसमें कभी मिस्टेक्स भी नहीं होगा और सिंपली आंसर भी आ जाएगा, और आपको समझ में भी आ गया है कि कैसे हो रहा था, उससे भी कर रहे थे तो वही आंसर आ रहा था। एक स्टार्टिंग में एक इलस्ट्रेशन भी है ना, सॉल्व किया उसको, तो सबका यही आना है। अरे ये मुझे ये बताओ, ये जा रहा है आगे, अगर ये इस डायरेक्शन में राइट वो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग तो इस पे फिक्स्ड है ना, तो ये अगर आगे जाएगा तो स्ट्रिंग भी आगे जाएगी, बट ये पुली आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, पुली आगे नहीं जाएगा, ये आगे जाएगा। तो जैसे ये आगे गया, ये वाली स्ट्रिंग आगे, आगे जाने का मतलब ये वाली स्ट्रिंग ऊपर, इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग इस साइड। समझा? नोट कर लीजिए। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज इस डायरेक्शन में ए टू, एक्सेलरेशन ऑफ वेज इस डायरेक्शन में ए नॉट, है ना? और ये वाला एंगल पता है अपने को, ये वाला एंगल है 60, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट यही है ना, ए बी। ए बी को क्या लिखोगे आप? वेक्टर सम ना, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर प्लस 2a2a0 इनटू कॉस 120 डिग्री। पुट कर दीजिए, ये 3a0/2 था प्लस ए नॉट स्क्वायर प्लस 2 into 3a0/2 इनटू ए नॉट कॉस 120 इज -1/2। तो जो भी आना है यहां से आपका आंसर रिलेशन आएगा, आंसर तो नहीं है ये, 4a0 स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -3a0 स्क्वायर बाय एलसीएम ले लीजिए, 4 आ गया, 9a0 स्क्वायर प्लस 4a0 स्क्वायर -6a0 स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा? √7a0/2, √7। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक।
इतना पहले नोट कर लीजिए। सिर्फ रिलेशन फाइंड किया है, रिलेशन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फाइंड किया किसके टर्म्स में, ए नॉट के टर्म्स में। क्वेश्चन मैंने अज्यूम कर लिया ना कि एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज ए नॉट, बट क्वेश्चन में थोड़ी गिवन होगा, क्वेश्चन में तो ए नॉट भी फाइंड करना पड़ेगा आपको, तो फोर्स का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। वो अभी नहीं कि सॉल्व करेंगे, जब मैं एक फोर्स होता है स्यूडो फोर्स, जब मैं उसको पढ़ा दूंगा फिर अपन फाइंड करेंगे, इन सब क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आपसे हो जाएगा फिर। अभी तो सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है बस। डन। नहीं नहीं फाइव तक है ना यार। पहले थ्री ए नॉट बाई टू क्या आया था, थ्री ए नॉट बाई टू क्या था ये बताओ पहले। अरे थ्री ए नॉट बाई टू क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है ना। सिर्फ रिलेशन बताना है बस, अभी कुछ नहीं, ये ऐसा है। तो ये ब्लॉक है ऐसा, वेज है, ये एंगल थीटा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे एक पुली बना दिया, ये ऐसा, यहाँ पे एक पुली बना दिया ऐसा, और ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया ऐसा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए ए नॉट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, ए नॉट के टर्म्स में बताना। सॉल्व कीजिए पहले इसका और इसका, इसका जो है इस जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा उन दोनों का रिलेशन फाइंड कीजिए, दोनों का रिलेशन फाइंड कीजिए।
देखो यहाँ, ये अगर आगे जाएगा, ये अगर आगे जाएगा तो ये वाली स्ट्रिंग आगे जाएगी, ये इस साइड आएगी, और इस साइड जाएगी तो ये इस साइड आ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन a2 है। तो पहले ये आप ये ब्लॉक बना लीजिए ऐसा, टी टी सब में टेंशन सेम ही है, तो यहाँ से टी आ जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है a2 से, अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे एक टेंशन टी आएगा, यहाँ पे एक पुली है तो ये साइड टेंशन टी आएगा, ये वाला टेंशन ऑलरेडी इसके लिए कंसिडर कर लिया, तो इसके लिए कंसिडर नहीं करना है, किसके लिए, सिर्फ कंस्टेंट रिलेशन में बस, और कुछ नहीं है। हो गया ना, क्वेश्चन ही खत्म हो गया अभी। तो कितना हो जाएगा, 2t a0 - t a2 = 0, तो यहाँ से 2a0 = a2 आ गया, रिलेशन आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू h प्लस एक्सेलरेशन ऑफ h। तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में, रिलेटिव एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में a2 है ना, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने से, a0 से। तो अब ये वाला जो है रिजल्टेंट आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये तो फाइंड कर ही सकते है ना, ये तो फाइंड कर ही सकते हैं आप। ये थीटा है, ये थीटा आएगा तो ये 180 - थीटा हो जाएगा। सॉल्व कर लो, जैसे पहले आया था आंसर वैसे ही अभी भी आएगा, है ना, नोट कर लीजिए। टेंशन का डायरेक्ट, टेंशन तो निकालना बहुत ही सिंपल है यार। टेंशन का डायरेक्शन क्या, टेंशन किस टाइप का फोर्स होता है, पुल टाइप फोर्स, पुलिंग फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है टेंशन, पुल टाइप फोर्स, बस पुल टाइप फोर्स है तो आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन वहीं पे। इतना पता है कि पुल टाइप फोर्स है तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म, कुछ है ही नहीं उसमें। सिर्फ रिलेशन बताना है, आगे कुछ मत कीजिए। ये वेज ए मान लेते, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और ये वाली स्ट्रिंग ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा है, ये ब्लॉक है, ये एंगल थीटा है। मान लीजिए कि ये जो ए है, वेज जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है a0 से, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक।
बहुत सिंपल है, यहाँ पे टेंशन टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये आगे जा रहा है, तो ये वाली स्ट्रिंग तो आगे नहीं जाएगी, बट यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ कम हो जाएगा, मतलब ये वाला स्ट्रिंग इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो ये इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो इस साइड आएगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में आएगा, टेंशन टी है, ये आ रहा है इस डायरेक्शन में ए टू। इसकी बात कर लेते हैं, ये कितने से जाएगा, यहाँ पे टेंशन टी टी तो टू टी हो जाएगा, टू टी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ऐसा है तो ये टी आ जाएगा, इस वाले टेंशन को तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, नहीं, क्यों लेना है, कहाँ पे ले रहे हैं, कि क्या फाइंड कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना यार, फोर्स थोड़ी फाइंड कर रहे हैं, कंस्टेंट रिलेशन फाइंड कर रहे हैं बस, फोर्स थोड़ी फाइंड कर रहे हैं कहीं। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन है ना सर, क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, तो उस टाइम से जो पहला जो सॉल्व किया था, फर्स्ट जो मेथड लगाया था विदाउट टेंशन का, वो समझ में आया था, विदाउट टेंशन आया था, वो समझ में आया। अच्छा वो समझ में आया, टेंशन नहीं लिया, समझो टेंशन नहीं लिया, इस वाले टेंशन को कंसिडर नहीं किया, सॉल्व किया, आंसर सेम आया था, नहीं पहले रुको ना एक मिनट, बताता हूँ बताता हूँ, वहां पे उस पॉइंट पे मैं आता हूँ, कि अगर क्या किया था, दो तीन मेथड बताया था, एक फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल मेथड था है ना, अब मुझे ये बताओ कि इस वाले पोर्शन की, ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग क्यों टेंशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मुझे बताओ, ये जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग इसमें 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 जो चेंज हो रहा है, उसी का रिजल्ट है ना, ये वाला क्या है, रिजल्ट है, मतलब कंस्ट्रेंट हो गया ये, इसके मोशन की वजह से ये मूव कर रहा है, मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसी के मोशन की वजह से हो रहा है, तो ये कॉज हो गया, और ये इसका क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, तो ऑलरेडी आप उस चीज को इफेक्ट में भी कंसिडर करोगे और कॉज में भी कंसिडर करोगे, जब आपने ऑलरेडी उसको इफेक्ट में कंसिडर किया है, तो कॉज में कैसे कंसिडर करोगे आप उस चीज को, है ना, ये वाला स्ट्रिंग का जो मूवमेंट हो रहा है ये इसी की वजह से हो रहा है ना, तो ये तो रिजल्ट है, जितना ये स्ट्रिंग आगे जाएगा, ये वाला सेक्शन जितना आगे जाएगा उतना ही ब्लॉक आगे जाएगा ना, तो अगर आप इसके लिए टेंशन कंसिडर कर लोगे, अगर यही टेंशन अगर आप इसके लिए कंसिडर करोगे तो फिर क्या होएगा, अगर इसके लिए आपने टेंशन कंसिडर कर लिया तो आप इसको मूव करा रहे हो, तो इसके टेंशन का इफेक्ट इसमें ही देख रहे हो, तो इसका क्या देखोगे फिर, कैसे ऑब्जर्व करोगे इसके मोशन को, नहीं हो पाएगा ना ऑब्जर्व, क्योंकि यही आगे जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग को छोड़ दे रहा हूँ और बाकी जो स्ट्रिंग का मूवमेंट है उसको देख रहा हूँ, तो इन सब के मूवमेंट की वजह से ही, इन सब में जो भी चेंज आना है, यहाँ पे जितना लेंथ का चेंज आना है वही लेंथ आगे जाएगा, तो ये वाला पार्ट रिजल्ट हो जाएगा, तो इसका जो मोशन हो गया इस पे कंस्ट्रेंट है ना अभी, इसीलिए इस वाले टेंशन को कंसिडर नहीं करना है, इस वाले टेंशन को कंसिडर नहीं करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी टी है तो ये टू टी हो जाएगा, और यहाँ पे टी आ जाएगा, ये वाला टेंशन नहीं आएगा, सिर्फ टी लिख दिया, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ए नॉट से, कितने से, ए नॉट से, तो क्या लिखोगे तुम यहाँ से, थ्री टी ए नॉट माइनस ए टू टी ए टू इक्वल्स टू जीरो, तो टेंशन से टेंशन जाएगा, थ्री ए नॉट इक्वल्स टू ए टू आ जाएगा, थ्री ए नॉट इक्वल्स टू ए टू आ जाएगा, अब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है, तो ये वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए नॉट है, ब्लॉक इस डायरेक्शन में आ रहा है, ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज, यही है ना, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये टोटल एंगल थीटा हो जाएगा, यही एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है, यही क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, ए नॉट स्क्वायर प्लस
ए टू स्क्वायर प्लस टू ए नॉट ए टू कॉस थीटा, यहां से ए नॉट स्क्वायर हो गया, थ्री ए नॉट स्क्वायर हो गया प्लस टू ए नॉट इंटू थ्री ए नॉट इंटू कॉस थीटा से ए नॉट स्क्वायर प्लस नाइन ए नॉट स्क्वायर प्लस सिक्स ए नॉट ए नॉट स्क्वायर कॉस थीटा, ए नॉट को बाहर कर दीजिए तो यहां से आंसर आपका क्या जाएगा, टेन प्लस सिक्स कॉस थीटा। नहीं है तो इसको अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, कौन से कंस्टेंट, सबसे पहले वहां पे लिखना फोर कंस्टेंट रिलेशन, फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट को लिखना कि किस टेंशन को कंसिडर करना है। एक ही चीज तो है यार, इतना क्या है, अब तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि जहां पे ब्लॉक दिख रहा है, जहां पे ब्लॉक दिख रहा है, वेज है ब्लॉक है, ये समझ में आ रहा है, मिक्स्ड वाला है, तो जहां पे आपको ब्लॉक दिख रहा है उसके टेंशन को कंसिडर करेंगे तो ये वाला टेंशन भी आना चाहिए, बट इसको कंस्टेंट रिलेशन में इसके लिए कंसिडर नहीं होगा, बाकी सब टेंशन को कंसिडर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, इतना क्या करना है। अरे कुछ आ रही है बात समझ में, एक और रिलेशन फाइंड करो, नोट करो इसको पहले, जिसको देखो अगर नहीं समझ में आ रहा वो क्या करना, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देना, इस साइड इसको शिफ्ट कर देना, ठीक है, फिर ब्लॉक का भी मूवमेंट देखना, ब्लॉक भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, फिर देखना ये कितना मूव किया है, ब्लॉक कितना मूव किया है, क्या रिलेशन आ सकता है नहीं आ सकता है, फिर आएगा, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हर केस में उसको विजुलाइज करना बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए सबसे सिंपल मेथड है। देखिए यहाँ पे एक बार लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में जो है सूडो फोर्स आएगा, सूडो फोर्स एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन फिर हो जाएंगे आपसे, फिर फ्रिक्शन वाला पार्ट बचेगा। यस सर, ये ऐसा है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है थीटा, यहाँ पे एक पुली है, यहां से एक स्ट्रिंग आएगी, यहाँ पे एक पुली है, यहां से ऐसे जाएगा, यहाँ पे एक पुली है, तो ये ऐसा आएगा, यहाँ पे एक ब्लॉक से ऐसा है, यहाँ पे पुली है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे पुली है, ये ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है, ये स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, ऐसे 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 ए नॉट है मान लीजिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, सिंपल है।
नॉर्मली नॉर्मली होगा, है ना, होना ही है, नहीं होगा तो फिर मतलब वो सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा किसी इक्वेशन को, होगा ही। ऑपोजिट का मतलब तुम किस सेंस में ले रहे हो, ये इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, वैसा है। ऑपोजिट मतलब डायरेक्टली ऑपोजिट नहीं होगा। हाँ ऑपोजिट का मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं कि ये ऐसा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, वैसा नहीं। ऑपोजिट मतलब ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, सेम सेंस नहीं होगा, सेंस बोल उस टाइप से। यस देख लो, वैसे भी देख के बता सकते हैं, विजुअलाइज हो जाएगा तो सिंपल है। देखो यहां से समझाता हूं मैं, ये ऐसा है, तुम इसको इस साइड मूव कराओ, तो तुम अगर एक्स इस साइड आओगे एक्स, तो ये वाली स्ट्रिंग कितना इस साइड जाएगी, तो ये वाला ये तो आगे मूव नहीं कर सकता है ना। तो जैसे तुम यहाँ पे आओगे इस डायरेक्शन में, तो ये वाला एक्स स्ट्रिंग जो है एक्स थोड़ा सा आगे आ गया, तो एक्स कम हो गया ये, है ना, यहाँ पे एक्स कम हो गया। ये वाला पार्ट आगे आ गया है तो यहाँ पे भी एक्स कम हो गया, तो इस वाले रीजन में कितना कम हुआ है स्ट्रिंग, 2x, कितना कम हुआ है स्ट्रिंग 2x, तो वही 2x आगे जाएगा ना इस साइड, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना। बट ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे देखो यहां से ये आगे जा रहा है x, तो ये x आगे गया, स्ट्रिंग पे ही पूरा गेम है, स्ट्रिंग का ही गेम है यहाँ पे, ये x गया आगे इस साइड, पहले इस रीजन में कुछ लेंथ रहा होगा ना यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग का, यार यहाँ से यहाँ तक कुछ रहा होगा ना, ये अगर x आगे जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ x कम हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट भी आगे आएगा तो यहाँ पे भी x, ये भी x आगे आएगा तो यहाँ पे भी x कम हो गया, तो इस वाले रीजन में कितना लेंथ कम हो गया, 2x, तो वही 2x आगे गया होगा ना, इस 2x की वजह से ये इस साइड मूव करेगा, किसके रेस्पेक्ट में, इसी के रेस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली लिख सकते हो तुम a2। तो इस पे टेंशन देख लीजिए, टेंशन से भी सॉल्व करेंगे वही आएगा, देख लेते हैं क्या है, टेंशन से भी सॉल्व करेंगे वही आएगा, यहाँ पे टेंशन टी है, 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 ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, ये वाला टेंशन कंसिडर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक के लिए कंसिडर करेंगे, ये सिर्फ किसमें आएगा, कंस्टेंट रिलेशन के लिए ऐसा हो रहा है, ये क्या है, रिजल्टेंट है, ये आउटपुट वाला पार्ट है और ये सब इनपुट वाला पार्ट है। तो देखो यहाँ से इसका एक्सेलरेशन ए नॉट है, यहाँ से टी टी तो 2t a0 हो जाएगा, इसका वो टी डॉट ए 2t a0, इसका और इसका, इसका जितना होगा इसका जितना आएगा उतना इसका भी आएगा, बट ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों तो परपेंडिकुलर ही है ए नॉट से, तो वो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इतना ही आएगा, और यहाँ से देख लीजिए -t a2 = 0 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से क्या आ गया, 2a0 = a2 आ गया, खत्म ही हो गया अभी तो। अब एक्सेलरेशन ऑफ a2 इस डायरेक्शन में है, वेज इस डायरेक्शन में है, a0 इस डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू 2a0 है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक लिख लो, 2a0² + a0² + 2 × 2a0 × a0 × cos 180 माइनस थीटा, देख लो कितना आ रहा है, यहाँ से 5a0² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4a0² cos थीटा, कितना आ जाएगा, a0 को बाहर कर लीजिए, a0 को बाहर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 - 4 cos थीटा, 5 - 4 cos थीटा, 4 cos थीटा। तो अब जैसे सॉल्व करना है आप सॉल्व कर लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए या टेंशन यूज कर लीजिए, जो यूज करना है आप समझ। तो ये था कंस्टेंट रिलेशन की स्टोरी, आगे भी आएगा बट वहां पे एक्सेलरेशन टेंशन फाइंड करेंगे उसमें आएगा, रिलेशन कैसे फाइंड करना है आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे इस पे, ऐसा नहीं कि यहीं पे ये खत्म हो गया, बट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं देखता हूँ आपके बुकलेट में क्वेश्चंस होगा इसका, तो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। एमटी में फ्रिक्शन तक आएगा और फ्रिक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए, समझिए, कुछ डाउट्स आ रहा है पूछिए। चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।